हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक एक्सीलरेशन। क्लियर? तो आज बच्चों हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सीलरेशन। अब देखिए, इससे पहले क्लास में मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल्स करवाए थे स्पीड के, वेलोसिटी के। जो लास्ट टॉपिक मैंने क्लास में करवाया था आपको वो था स्पीड और वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स मैंने कराए थे आपको, और स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बताया था कि वो हमेशा इक्वल उनका मैग्नीट्यूड नहीं होता है। क्लास में मैं सब आपको डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सीलरेशन टॉपिक। तो इससे पहले कि मैं जब एक्सीलरेशन स्टार्ट करूँ तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ स्टडी से रिलेटेड, ठीक है? तो वाइज ऐप सभी ने डाउनलोड कर ली होगी जहाँ तक मेरा ख्याल है। और वाइज ऐप में आप, वाइज ऐप डाउनलोड करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, उसमें एक ऑप्शन आता है ऊपर से असेसमेंट का, ठीक है? तो उस पर क्लासेस जो है मैं अपलोड कर दूंगा, उसमें भी आप देख सकते हो। या यूट्यूब चैनल है मेरा आई लेवल लर्निंग सेंटर के नाम से, तो उस पर सर्च करके आप अपनी जो स्टडीज़ से रिलेटेड मटेरियल है वो भी आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो चॉइस आपके पास है, लेकिन बेस्ट यही रहेगा कि आप वाइज ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? और उसके बाद उसमें ऑप्शन में मेरी जब क्लास स्टार्ट होगी तो नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि फिजिक्स की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आप उस क्लास को देख सकते हो या आप यूट्यूब में भी देख सकते हो। और हो सकता है, वैसे तो पूरी मेरी 100% कोशिश रहेगी कि क्लियरिटी बिल्कुल साफ आए, लेकिन अगर 1-2% केसेस में अगर क्लियरिटी साफ नहीं आती है तो आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि नोट्स मैंने आपको पहले भेज रखे हैं और मैं वही टॉपिक समझाऊंगा जो आपने ऑलरेडी लिख चुके हो। क्लियर? क्योंकि लिखना ही सारी समस्या का समाधान नहीं है, आपको समझ में भी आना चाहिए। तो वही टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा, यहाँ पर पढ़ाऊंगा जो आप पहले से लिख चुके हो। तो अगर वीडियो क्लियरिटी साफ नहीं आती है 1% बाय चांस, तो आप क्या करेंगे, जब क्लास स्टार्ट होती है तो आप अपनी नोटबुक लेके बैठेंगे, जो भी चीज़ मैं समझाते रहूँगा, ठीक है, उसको देखते रहेंगे उसमें। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल जो भी है, आप लोग जिस मेरे चैनल में जब भी आप लोग अपनी क्लासेस पढ़ेंगे तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि उन्हीं लोगों को शेयर करिएगा चैनल, उन्हीं लोगों को आपस में दोस्तों को शेयर करिएगा जो पढ़ना चाहते हैं। क्लियर? जो नहीं पढ़ना चाहते हैं, खाली उनको शेयर कर दिया, फिर वो फालतू के कमेंट करते हैं, वीडियो को डिसलाइक करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। अब मेरे को भले ही 10 बच्चे हों लेकिन सही होने चाहिए। और अब वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोग नए हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आगे चल के भी आपको इम्पोर्टेंट वीडियोज़ अपने मिल सके। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों एक्सीलरेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक्सीलरेशन, अब देखिए एक्सीलरेशन क्या होता है, व्हाट इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विथ टाइम। एक्सीलरेशन जो होता है किसी भी बॉडी का, उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, या एक्सीलरेशन किसी भी बॉडी का क्या होता है, क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विथ टाइम। जिस रेट से, जिस दर से उस बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, जिस रेट से, जिस दर से उस बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, उसी को बोला जाता है एक्सीलरेशन। क्या बोला जाता है, एक्सीलरेशन। व्हाट इज एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विथ टाइम। किसी भी बॉडी का एक्सीलरेशन है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, जिस रेट से वेलोसिटी चेंज होती है, जिस दर से वेलोसिटी उस बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, जिस रेट से, उस रेट को ही क्या बोला जाता है, एक्सीलरेशन बोला जाता है। तो कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी, तो आप बोलेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विथ टाइम। जो रेट, जिस रेट से उस बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, जिस दर से उस बॉडी की वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है, वो चेंज हो रही है, उसी को बोलते हैं एक्सीलरेशन। क्लियर? द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विथ टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। उसी को क्या बोला जाता है, एक्सीलरेशन बोला जाता है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्या बोला मैंने एक्सीलरेशन के बारे में, एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विथ
जो एक्सेलरेशन है किसी भी बॉडी का, उसको कैसे डिफाइन करते हैं? जो चेंज इन वेलोसिटी का रेट है, चेंज इन वेलोसिटी का रेट है उस बॉडी की, जो वेलोसिटी में जितना बदलाव आया है, जिस दर से बदलाव आया है, जिस रेट से बदलाव आया है, उसी रेट को क्या बोला जाता है? एक्सेलरेशन बोला जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना बदलाव आया उसको समय से आप डिवाइड कर दीजिए, टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर ये चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी होता क्या है? ठीक है, तो देखिए चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, या चेंज इन वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है कि वेलोसिटी में कितना बदलाव आया, वेलोसिटी में कितना बदलाव आया, और वो बदलाव आप कैसे निकालेंगे, वो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? आप फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दीजिए, तो आपकी चेंज इन वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। क्लियर? क्या बोला मैंने? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, या आप बोल सकते हो टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? जितनी भी फाइनल वेलोसिटी होगी उसमें से इनिशियल वेलोसिटी को आप माइनस कर दीजिए, तो आपकी चेंज इन वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। तो ये नॉर्मल फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का। लेकिन अब जो मेन फॉर्मूला है जिससे क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं वो आपको याद रखना है, क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, देख सकते हैं आप, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। देख सकते हैं आप, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। तो उम्मीद है समझ गए होंगे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। और एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? ए। एक्सेलरेशन का सिंबल क्या होता है? स्मॉल ए। और फाइनल वेलोसिटी को आप किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल वी से। और इनिशियल को करेंगे यू से, और टाइम को करेंगे स्मॉल टी से। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। क्लियर? तो जब भी न्यूमेरिकल में आप लोगों से ये बोला जाएगा कि कैलकुलेट एक्सेलरेशन या फाइंड एक्सेलरेशन, तो आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, मतलब फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दीजिए, जितना आएगा उसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका एक्सेलरेशन निकल के आ जाता है। क्लियर? तो माइंड में, अपने माइंड में हमेशा याद रखिएगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूँ आपको एक्सेलरेशन यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, डेफिनेशन जो मैंने बताई और जो फॉर्मूला मैंने बताया। अब यहाँ पर है, सवाल ये उठता है कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है ए का मतलब क्या है। तो ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, और वी का मतलब क्या होता है मैं बता चुका हूँ, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और यू का मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और टी का मतलब होता है टाइम टेकन फॉर चेंज इन वेलोसिटी, कितना समय लिया वेलोसिटी में बदलाव आने के लिए, जितना भी समय लिया गया उसको बोलेंगे टी, यानी कि टाइम। क्लियर? तो उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे कि मैंने जो भी बताया आपको, क्या बोला एक्सेलरेशन के बारे में मैं आपको आज बताया। तो अभी आज तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा वीडियो सेशन थोड़ा आगे ले जाऊँगा, लेकिन थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन देने की वजह से आज मैं क्लास यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, आगे कल से हम रोज़ क्लास होगी आपकी, लेकिन जो वो रिटर्न वर्क है वो सिर्फ आपका वेडनेसडे और थर्सडे को आएगा, लेकिन थ्योरी क्लास जो भी समझाने वाली है वो हर रोज़ आएगी। तो रोज़ आप लोगों को क्लास में आना है या वीडियो देखनी है। ठीक है, तो आज मैंने एक्सेलरेशन आप लोगों को समझाया, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एक्सेलरेशन समझ में आया होगा। समझाना तो मेरे को अभी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी था। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो वीडियो में मैंने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा समय का अभाव है। हालांकि आगे समय का अभाव तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन ये कह सकता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो वो नहीं चाहता मैं, ताकि आप भी बोर हो जाओगे फिर। तो इसीलिए आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो अगर सेशन पसंद आया तो बेटा लाइक कर देना, इसको शेयर कर देना, और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, तो ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं कल, और आइएगा ज़रूर, फ़ायदा आप ही का है। ठीक है, अगर जो नहीं आएगा तो नुकसान उसी को होगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।